सो गाइस रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर आ चुका है, तो चलिए देखते हैं ट्रेलर कैसा और रिएक्शन करते हैं। भाई करण जौहर की मूवी है, अच्छी तो होगी कम, क्योंकि कहीं कहीं अच्छी होती हैं, सारी नहीं अच्छी होती, लेकिन हिट जो है वो सभी गई हैं, तो देखते हैं कैसी है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रॉकी रंधावा दिस साइड। शिट्स यार, आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। नो आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू ऑब्जेक्टिफाई यू। आई वाज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना, देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई है जी, ऑल नेचुरल नो स्टेरॉइड। आज सुन ली आई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। अरे तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। चल आज तू कुछ पूछ के देख, गूगल के चीथड़े नहीं फाड़ दिए ना, मेरा नाम भी रॉकी रंधावा नहीं है। वेस्ट में, बट ऑबियो ईस्ट में है। ये ट्रिक क्वेश्चन था। ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी, लेकिन फिर मैं तुम्हें चेकआउट कैसे कर? पिघला के मारी। हाय झुमका, ओए झुमका, हाय झुमका, झुमका। व्हाट झुमका? आठ चपवा दे, मंडप सजा दे, घोड़ी पे सवार आ रहा रानी का राजा। होल्ड योर हॉर्स। सी द प्रॉब्लम इज कि हमारी फैमिलीज बहुत अलग है। रिश्ते का स्टीयरिंग व्हील चाहे अपना हाथ में हो, बैक सीट ड्राइविंग फैमिली करता है। फिर क्या चाहती क्या है? मैं आके रह जाऊं तेरी फैमिली के साथ, तू मेरी फैमिली के साथ आके रहेगी? अब तो रैंडम चीजें सजेस्ट कर रहा है कि तू मेरी फैमिली के साथ आके रहे। मैं ओह माय गॉड, जीनियस। इट्स अ स्विच। 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर। अगर ये सर्वाइव कर गए ना, तो शायद शादी के अगले 50 साल भी सर्वाइव कर लेंगे। स्विच। मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा? शमिता तो है नहीं। शमिता? शमिता कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? बिग बॉस। क्लास ना एजुकेशन, तुम इस लड़के के साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? इन दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने ना दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी नहीं। खेला हो बे। और तू सही कहती है, हम दोनों बहुत अलग हैं, और कितनी भी कोशिश कर लेना, हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होगी, अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है रॉकी। नहीं तोड़ा करते। वो आंटी कपड़ों के बारे में पूछ रहा था। लॉन्ड्री? लॉन्ड्री? बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। गलत होगा आंटी, आप रानी की मम्मी हैं। अरे मम्मी नहीं 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 जो ट्रेलर था वो मुझे अच्छा लगा, इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छा लगा, बुरा तो बिल्कुल नहीं कह सकता। बाकी इसमें एक्टिंग जो थी वो सभी की लाजवाब नजर आ रही थी, लेकिन भाई स्टोरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट नजर आती है। जैसे लड़का जो है वो लड़की के घर में रहता है और लड़की जो है वो लड़के के घर में रहती है, तो ये देखना काफी अच्छा होगा। लेकिन ट्रेलर में उन्होंने काफी कुछ बता दिया है, और मुझे लगता है जो ट्विस्ट होगा बीच में वो इन्होंने छुपा के रखा है, तो वो ट्विस्ट देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा मूवी देखने, तो देखेंगे ये मूवी कैसी होती है। बाकी रणवीर सिंह की मैंने लास्ट 83 देखी थी सिनेमा में, मुझे काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन फ्लॉप हो गई थी, इसका कुछ कह नहीं सकते। करण जौहर की सारी मूवीज हिट गई हैं, ये भी हिट जा सकती है, लेट्स होप, और देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं तो देखने जाऊँगा। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो चले गाइस, टेक केयर।